हे एवरीवन, माय नेम इज़ जयदीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे देश के कुछ नौजवान जो कि घर बैठे 24/7 कोरोना वायरस रिलेटेड से न्यूज़ आंकड़े, मौत के आंकड़े, डेथ्स वगैरह ये चीज़ें देख रहे हैं, और हमारे आसपास में जो आजकल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, वेयर एवर आई एम गोइंग आई एम हियरिंग द कन्वर्सेशन लाइक कोरोना वायरस से इतने लोगों की मौत हो चुकी है, कोरोना वायरस इतने लोगों में फैल चुका है, इस एरिया में कोरोना वायरस है, और 24/7 द पीपल आर दे आर स्क्रॉलिंग डाउन इंटरनेट एंड दे आर जस्ट सर्चिंग द डेटा रिलेटेड टू द कोरोना वायरस, हाउ मेनी पीपल्स डाइड ड्यू टू दैट वायरस, एंड कन्वर्सेशन 24/7 आपको हर जगह यही मिलेगी कि इतने लोग मर चुके हैं, वो भी आज का हमारा यूथ, हमारे नौजवान इन कन्वर्सेशंस को लेके चल रहे हैं, और घर बैठे भी अभी लॉकडाउन टाइम में घर बैठे भी 24/7 वो कोरोना वायरस से रिलेटेड ही न्यूज़ देख रहे हैं और अपने आप को एंग्जाइटी, चिंता, तनाव, इन सभी चीज़ों का शिकार बना रहे हैं। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही है, आज के यूथ से एक क्वेश्चन पूछना कि आप ही इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसा बिल्कुल अनपढ़ों वाला व्यवहार आप दिखाएंगे तो हमारे देश का विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है। इतने एजुकेटेड लोग घर बैठे बैठे इन चीज़ों के बारे में 24 घंटे अपने दिमाग में सोच रहे हैं, और सबको पता है, यहाँ पे ये बात सबको पता होगी दैट वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर थिंकिंग एंड आवर थॉट्स, हम जो कुछ सोचते हैं हम वो बनते हैं डेफिनेटली, एंड यू आर 24/7 यू आर थिंकिंग अबाउट दोज न्यूज़ विच कैन हार्म यू, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं जितनी ये सारी न्यूज़ें आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो 24 घंटे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो। सो यही इसी बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे युवा भी हैं जो यहाँ पे आगे आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं उन सभी लोगों की जो कि इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। अभी मैं बात करूँ राजकुमार जी की, जो कि दिल्ली के हैं, और उन्होंने अपने ऑटो को एक एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया है, एक मिनी एम्बुलेंस बनाया है, और 24/7 यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में, उन्हें हॉस्पिटल्स में ले जा रहे हैं। वहीं हमारे उत्तराखंड के राघव जुयाल, जो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पे जिन्होंने बहुत सारा नाम, फेम ये सब कमाया है, लेकिन अब बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं, वो भी यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे अपील कर रहे हैं लोगों से कि प्लीज़ सेव द उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की कंडीशन रियली दिस टाइम बहुत ही ख़राब हो चुकी है, और मे बी हमारा यूथ जिसको अभी आगे आना चाहिए वो घर बैठे ऐसी न्यूज़ें देख रहा है और शेयर कर रहा है लोगों के साथ, और ये चीज़ें डरा रहा है लोगों को, मीन्स एक पॉजिटिव चीज़ शेयर करनी चाहिए थी, वहाँ पे एक नेगेटिविटी शेयर हो रही है, ये हाल है अभी हमारे देश के। अभी हाल ही में राघव जुयाल का एक बयान सामने आया है, उन्होंने देश की तमाम बड़ी कंपनियों से कहा है कि मैं आप सभी का फ्री में विज्ञापन करने के लिए तैयार हूँ, फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तैयार हूँ, आप उत्तराखंड की मदद कीजिए। तो यहाँ पे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो कि ग्रेट लीडर्स, सोशल एक्टिविटीज़, सभी यहाँ पे मांग कर रहे हैं मदद की, और सभी लोग मदद करने को तत्पर भी हैं, सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बट इनके इन दिस केस हमारा यूथ, यहाँ पे मेरा सभी से ये अनुरोध है, प्लीज़ डोंट शेयर एनी टाइप ऑफ द फेक न्यूज़ रिलेटेड टू द कोरोना वायरस, यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को शेयर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अभी एक हिम्मत की ज़रूरत है, एक हौसले की ज़रूरत है, और आप सभी लोग इस टाइप की चीज़ें शेयर करेंगे दैट्स नॉट फेयर, यहाँ पे ये आपको ही नुकसान देगी, बिकॉज यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ थाट्स एंड दे विल डेफिनेटली हार्म यू। इसी लॉकडाउन टाइम में बहुत सारे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे खालसा एड हो गया, बहुत सारे हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सभी की मदद करने के लिए हर वक्त तत्पर हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे आप कैसे मदद कर सकते हैं किसी की, आपको भी मदद करनी है बट आप कैसे कर सकते हैं, स्टिल यू आर एट योर होम, सो यहाँ पे अपने आसपास देखिए, आपके चारों ओर देखिए, यहाँ पे जो भी नीडी पर्सन है, जिसको ज़रूरत है, जो जिसके घर में राशन की कमी है, जिसके घर में खाने की कमी है, जिसके घर में एसेंशियल मेडिसिंस की कमी है, आप उसके जो अगर आपके आसपास हैं आप वहाँ से शुरुआत कीजिए, आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप एक वक्त का खाना, दो वक्त का खाना, जितना आपसे हो सके आप उन्हें देकर यहाँ पे उनकी मदद कर सकते हैं। आपके चारों ओर अभी जो एनिमल्स हैं, लॉकडाउन टाइम में सब कुछ बंद है, दुकानें बंद हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट एनिमल्स हंगर भूख की वजह से भी मर जाते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनको खाना खिला सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, एक बार ऐसा ज़रूर करके देखना यार, रियली उस वक्त आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड इंसान इस पूरी दुनिया में, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा।
ट्रस्ट मी गाइस, रियली आपकी सक्सेस को तो दूसरे लोग मेजर कर सकते हैं, बट योर सेटिस्फैक्शन ओनली कैन बी मेजर्ड बाय योर हर्ट एंड योर सोल। तो आप लोग अपने चारों ओर जो भी आपकी तरफ से जितना भी हो सकता है यार, आप हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं उनका जो लिंक है, वेबसाइट्स हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इजीली वहाँ भी डोनेट कर सकते हैं घर बैठे। तो आप इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी हेल्प की होगी, और उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ एंड सैल्यूट फॉर ऑल द पर्सनैलिटीज, ऑल द मैसेंजर्स ऑफ गॉड लाइक राघव जुयाल एंड सोनू सूद एंड राजकुमार एंड मैनी 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 ग्रेट पर्सनैलिटीज हु इज़ हेल्पिंग टू द ऑल ओवर पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड इन दिस पेंडेमिक। एंड हम सभी को आगे आना चाहिए इस वक्त में, देश को हमारी ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, और एक नई पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, एक अच्छे माइंडसेट की ज़रूरत है। रियली गाइज, इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज डेली, डेफिनेटली आई एम सेइंग टू यू, आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ, पिछले 2 सालों से जब से कोरोना वायरस आया है, तो यहाँ पे मैंने डेली, मेरा रूटीन है, मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये मेरी आदत बन चुकी है, ये एक आदत में आ चुका है। एंड डेफिनेटली मैं ऐसी खबरों से कोसों दूर रहता हूँ, ना ही मुझे इंटरेस्ट है इन सारी खबरों में, ना ही मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। कोरोना वायरस है, आप अपनी सेफ्टी रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, लोगों से बातें करते वक्त दूरी बनाए रखिए, ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, और आपको इन नेगेटिविटी वाली खबरों से दूर रहना है। सो इन सभी चीज़ों के बावजूद, यानी कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, मैं पिछले 2 सालों से एक भी बार बीमार नहीं पड़ा हूँ, दिस इज़ अ फैक्ट। इफ योर लाइफ स्टाइल इज़ ओके, देन डेफिनेटली यू आर ओके। इफ योर माइंड सेट इज़ ओके, योर लाइफ विल बी ओके, योर लाइफ विल बी ग्रेट, योर लाइफ विल बी डेफिनेटली फैंटास्टिक। सो यहाँ पे आपको मेरे वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे आई होप, एंड इस वीडियो से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ा होगा हमारे यूथ के माइंड सेट पर। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। और ये कि पॉजिटिव मैसेज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने की कोशिश की है। एंड इफ़ यू वांट टू डोनेट, देन लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन इजीली डोनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।